आप मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें, हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते आपका, और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश डरपोकों का देश नहीं है। हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है। सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको यह नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए। महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक ऐतिहासिक गांव में आदरणीय राहुल जी यहां आए, ये गांधी ग्राम घासाड़ा के नाम से जाना जाता है। 1947 में हमारे गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने यहाँ के मेयो लोगों को पाकिस्तान जाने से रोका था। उसके लिए मैं, हम हुड्डा साहब बैठे हैं उसका भी धन्यवाद देते हैं, राहुल जी बैठे हैं उसका भी धन्यवाद देते हैं कि जो आज यहाँ मेवात बसी हुई है तो इसी परिवार की वजह से आज ये मेवात बसी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मिलके एक बार बोलेंगे जोड़ो जोड़ो, हाथ उठा के। सबसे पहले तुम इस पावन मेवात की धरती में और इस ऐतिहासिक गांव की धरती को सलाम बोलता हूँ, सलाम इस धरती को। और हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। मगर ये अच्छी बात है, ये देखिए अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं, ये खराब बात नहीं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि इनकी गलती नहीं है बेचारों की, इनके पीछे लगाम बांध रखी है, पीछे से कंट्रोलर है। तो देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं हाँ बात तो सही बोली, देखो मुस्कुरा रही है, देखो ये देखो मुस्कुराए। तो देश की ये हालत है। पार्लियामेंट में हम बोलना चाहते हैं ना, पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है, जानते हो? मैं दिखाता हूं, माइक ऑफ हो जाता है, देखो ऐसे जो बोलना बोलो, बोलते जा कुछ किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साहब का चेहरा दिखता है और पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं। इसीलिए हमें यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करनी पड़ी कश्मीर तक। और जो मैं आपको बताऊं, जो हमें सीखने को मिला वो गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में नहीं सीखा जा सकता है। कहां से सीखे हम? हिंदुस्तान की जनता से सीखे, किसानों से सीखे, मजदूरों से सीखे। अब देखिए, एक तरफ आपकी कुर्बानी, यहां अभी मैंने महात्मा गांधी जी की फोटो के सामने फूल रखे, ये आए, इन्होंने आपकी रक्षा की। उस समय भी हिंसा थी, उस समय भी इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम, नफरत फैलाने का काम किया था। और आप याद रखिए,
योगेंद्र यादव जी ने कहा वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, मगर जब वो बोल रहे थे मैंने एक बात सोची, सही नारा है हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, मगर इसके आगे एक कदम जाना पड़ेगा, हम तोड़ने नहीं देंगे। आप कोशिश करो जितनी करनी है, हम तोड़ने नहीं देंगे, एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ने देंगे, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, ये गांधी जी जो हैं, ये एक व्यक्ति थे, मगर इन्होंने हमें, इनके सामने हमने फूल क्यों डाले, हमने इनके सामने फूल इसलिए डाले क्योंकि ये एक सोच भी थे, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक सोचने का तरीका और एक जीने का तरीका था। और अगर आप गांधी जी को समझना चाहते हो तो हिंदुस्तान में उस समय बहुत हट्टे कट्टे चौड़े लोग थे, मगर हिंदुस्तान का सबसे निडर व्यक्ति ये थे, तो अंग्रेज इनको डराने की कोशिश करते थे, डरते नहीं थे, जेल में डाल दिया डरे नहीं, तीन गोली छाती में मार दी तब भी नहीं डरे, इसीलिए हम इनके सामने फूल रख रहे हैं। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, देखिए कुछ भी हो जाए आपको किसी से नहीं डरना है, पीने का पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार की, अब भैया ये तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा यात्रा हमने शुरू क्यों की, क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, जैसे मैंने आपको कहा माइक ऑफ कर देते हैं, और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान मजदूर छोटे दुकानदार छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं ये लोग, इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा गुड़ ऐसी चीजें बेचो तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए जो छोटा व्यापारी है जो 25 किलो से कम बेच रहा है उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है, ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार है, और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था, ये जो उनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने
कांग्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं है, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते वो। सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको यह नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुसीबत हो जाएगी। तो आप उनको पहचानिए, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये आरएसएस के सब लोग ऐसे हैं। ये नफरत फैलाते हैं मगर ये डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसान से मजदूर से डरते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कहना हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये देश डरपोकों का देश नहीं है, ये वीरों का देश है, यहां कोई नहीं डरता। और ये यात्रा ने दिखाया है, कन्याकुमारी से यहां तक आए हैं हम, कितने किलोमीटर हो गए वेणु जी? 3000 किलोमीटर हो गए, 3000। और मैं अकेला नहीं चला हूं, हजारों लोग चले हैं, हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का, सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता, वो है हिंदुस्तान। तो इस यात्रा ने दिखाया है कि यह देश किसी से नहीं डरता है, अपने भविष्य से नहीं डरता। और एक दिन, जिस दिन यह खड़ा हो गया एक साथ, जिस दिन यह देश एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन यह पूरी की पूरी नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी। और यह भी मत सोचो कि यह दिन बहुत दूर है, यह दिन दूर नहीं है, यह दिन आने वाला है जब एक बार फिर यह देश मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता, जितनी कोशिश करनी है करो, तोड़ने की कोशिश करो, इस देश को हम तोड़ने टूटने नहीं देंगे, खत्म। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है। क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और यह मैंने आपको मैसेज दिया है। यह आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, ना, मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे से आप मोहब्बत प्यार से बात करो, गले लगो, यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो आपने मुझे मैसेज देना था वो मैसेज मैं समझ गया हूं, वो मैसेज मेरे साथ जाएगा वापस, और उसका नतीजा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।